नमस्कार, मैं हूं मानव डोभाल और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। सहारनपुर में पंचायत चुनाव की तैयारियां चरम पर हैं, जिसके चलते ग्राम जखवाला में लगभग 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। वहीं चुनावी जंग के बीच अधिकांश प्रत्याशियों का वोट बैंक उनका खुद का बड़ा परिवार ही माना जा रहा है, जिसके चलते सहारनपुर से हमारे संवाददाता फैजान सिद्दीकी ने प्रधान पद प्रत्याशी राशिद शाह से खास बातचीत कर उनके चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। आइए पूरी खबर जानते हैं सहारनपुर से हमारे संवाददाता फैजान सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। नमस्कार साथियों, मैं हूं फैजान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। आज हम जनपद सहारनपुर के ग्राम बरसा में आए हुए हैं। इस गांव के अंदर बड़ा ही रोचक मुकाबला प्रधान प्रत्याशी को लेकर हो रहा है और इसी रोचक मुकाबले को जानने के लिए कि इस बार इस गांव में किसकी सरकार बनेगी, इसके लिए हम जानते हैं, पहले हम जानेंगे यहाँ की जनता से कि वो इस बार अपना प्रधान किसे चुन रही है। जो मीडियम के माध्यम से वहाँ कल प्रोग्राम में गया था तो मुझे ले जाया गया था वहाँ, और ये जो है मैं बस उनकी तरफ से कह गया और इस बात का मैं खंडन करता हूँ। मैं अपने प्रधान जो हमारे हैं राशिद शाह, मैं उनके साथ हूँ और बिल्कुल इसमें कोई और दिल से साथ हूँ। नमस्कार साथियों, मैं हूँ फैजान सिद्दीकी और हम बात करेंगे ग्राम बरसा के प्रधान पद प्रत्याशी राशिद शाह जी से। राशिद शाह जी, दैनिक भास्कर में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा चुनाव चल रहा है आपका? चुनाव तो बहुत अच्छा चल रहा है जी सर जी। युवाओं का जो वोट है वो किस साइड जा रहा है? युवा तो जी सब मेरी साथ ही है, रुझान बहुत अच्छा चल रहा, जितने भी युवा है सब मेरी साथ है और जी जो बुजुर्ग है सब उनका आशीर्वाद मेरे सिर पे है, मेरी साथ है और जी जो माता और बहन जो है सब वो मेरी साथ है, पूरा गांव मेरी साथ है और जी मैं जो है जो मेरा गांव है वो बहुत अच्छा गांव है, मैं सबका साथ सबका विकास साथ लेके चलूँगा इंशाल्लाह। और जी जो भी मतलब गांव के जो भी काम हैं अधूरे उन्हें इंशाल्लाह पूरा करूँगा। और जी 900 कुछ वोट का आपके गांव का पोलिंग है, काफ़ी नज़दीकी मुकाबला होगा, 5 प्रत्याशी मैदान में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। देखो ये तो चुनाव होता है, 10 भी होते हैं, 5 भी होता है और जी हार जीत भी देखो होती है, लेकिन इंशाल्लाह फिलहाल जो है हमारा मुकाबला जो है बहुत अच्छा चल रहा है इंशाल्लाह और जीत की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह और जीतेंगे इंशाल्लाह। चलिए अच्छा है, अगर आप जीते हैं तो गांव में किस तरह का विकास करना चाहेंगे? विकास तो देखो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर मैं बन गया इंशाल्लाह और उम्मीद है बनूँगा भी, और जी काम जितने भी अधूरे हैं इंशाल्लाह पूरे करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह काम करूँगा। दैनिक भास्कर में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू। क्या नाम है आपका? गयासुद्दीन खान। गयासुद्दीन खान जी, आपके गांव में प्रधान पद चुनाव हो रहा है, कितने प्रत्याशी मैदान में? 5। 5 प्रत्याशी मैदान में, बिल्कुल। आपका इन 5 प्रत्याशियों में पसंदीदा प्रधान? राशिद शाह। राशिद शाह। इस गाँव के अंदर कितनी वोट? 984। 984। युवाओं का रुझान किस साइड है? राशिद शाह की तरफ। राशिद शाह की ओर जी। क्या नाम है आपका? शहाब खान। शहाब खान जी, ये बताइए कि आपके गांव में बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला सुनने में आ रहा है कि इस गांव के अंदर कितने प्रत्याशी मैदान में हैं? 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। 5 प्रत्याशी में आए, इनमें 5 प्रत्याशियों में आपका पसंदीदा प्रत्याशी? राशिद शाह। राशिद शाह जी। तो ये बताइए आप के इन 5 प्रत्याशियों में आपका प्रत्याशी का मुख्य मुकाबला किससे है? हमारे प्रत्याशी का राशिद शाह का मुकाबला मेन तो नूरपुरा के पृथ्वी सिंह से है। नूरपुरा के पृथ्वी सिंह जी। कितनी वोट होंगी इसे? 984 वोट हैं और इंशाल्लाह हमारा कैंडिडेट 110% जीत में। युवाओं का क्या जोश है, युवाओं का क्या रुझान किस तरफ है? युवाओं का सर्वसम्मति से सारे समाज का राशिद के साथ समर्थन है और खुल के समर्थन है और इंशाल्लाह 101% हमारी जीत है और
हमारे प्रधान का मेन लक्ष्य ये है, सबका साथ सबका विकास, और सबको ले कर साथ चलने का है, यही लक्ष्य है उनका। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सुखलाल है जी। सुखलाल जी, दैनिक भास्कर में आपका स्वागत है जी। हम आज आपके गांव में जान रहे हैं जी कि आपके गांव में चुनाव कैसा चल रहा है। ठीक चल रहा है जी, सब अपना अपना है हिसाब। यूँ तो सभी जीत करें कि भाई दावेदारी करते हैं कि भाई मेरी जीत हो रही। कितने प्रत्याशी मैदान में? 5 हैं जी। 5 में से इनमें आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? देखो राशिद भी लड़का बढ़िया है जी, सभी कोई इसमें कमी नहीं है, अच्छा लड़का है। और जी रुझान भी काफ़ी है इसकी तरफ वोटरों का। ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र नाम है सर मेरा। सुरेंद्र जी, कैसा चल रहा है गांव में चुनाव? गांव में बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है जी। आपके गांव में 5 प्रत्याशी मैदान में हैं जी सर। इन 5 प्रत्याशियों में से आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? अख्तर है सर। अख्तर जी जी, तो युवाओं का जो वोट है वो किधर जा रहा है? युवाओं का वोट जो हमारे ऐसे आदमी हैं सब अख्तर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम सलीम खान है। सलीम खान जी, आपके गांव में चुनाव चल रहा है, कैसा चुनाव चल रहा है? भाई चुनाव के तो प्रक्रिया है, ये तो चलता रहेगा, और प्रत्याशी खड़े हैं, यहाँ से 5 प्रत्याशी खड़े हैं जी, और सबकी अपनी अपनी इमेज है, लेकिन यहाँ जो इमेज जो सबसे अच्छी है वो राशिद की है, जिसका चुनाव निशानकार है जी, और बड़ा अच्छा लड़का है भाई, सीधा साधा लड़का है, कर्मठ है, और मैं समझता हूँ कि इससे किसी को शिकायत भी नहीं है गाँव में। युवाओं का जो वोट होता है जिस साइड चलता है उस साइड जीत होती है। हाँ, युवाओं का वोट निर्णायक होता है जी, और ये एक युवा चेहरा है, उभरता हुआ चेहरा है, और भाई मेरी अपील है सभी लोगों से, पूरे ग्रामवासियों से अपील है। ये बताइए कि युवा का रुझान किस साइड है? भाई मेरे नज़र में तो युवा का रुझान कार की तरफ है, क्योंकि आजकल मॉडर्न एज है और कार को लोभ में बैठना लोग पसंद करते हैं, प्रोग्रेसिव चीज़ है कार, और कार में ही लोग जाना पसंद करेंगे, और मेरा अनुरोध है सभी गांव वालों से कि भाई वो कार के सामने का पे अपनी मोहर लगाएं या उसके सामने का बटन दबाएं और भाई राशिद को कामयाब बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार जी, आपके गांव में चुनाव चल रहा है? बिल्कुल। कैसा चुनाव चल रहा है? चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। कितने प्रत्याशी मैदान में? 5 प्रत्याशी मैदान में। इनमें 5 प्रत्याशी में आपका पसंदीदा प्रत्याशी? राशिद भाई। राशिद भाई, तो युवाओं का जो वोट है वो किस साइड जा रहा है? युवाओं, कुछ युवा उधर भी हैं, कुछ हमारे साथ भी हैं जी। 70% हमारे साथ हैं, 80% जी युवा, और बाकी गांव में लड़का बढ़िया है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, नवा लड़का, नया चेहरा, और कार का निशान है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा विनोद कुमार। जोर से बोलिए। विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, आपके गांव में चुनाव चल रहा है, कैसा चल रहा है? बढ़िया चुनाव है जी। 5 प्रत्याशी मैदान में हैं, आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? राशिद। राशिद। आपका नाम? राजकुमार जी। राजकुमार जी, कैसा चल रहा है चुनाव? बढ़िया चल रहा है जी। आपके गाँव में 5 प्रत्याशी हैं, इस बार आपका मनपसंद प्रत्याशी कौन होगा? राशिद भाई। राशिद भाई, आपका नाम? बबलू है जी। बबलू जी जी, 5 प्रत्याशी मैदान में, आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? राशिद भाई हैं जी। राशिद भाई जी। रेडी? आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आलम खान। मोहम्मद आलम खान जी, आपके गांव में चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से चल रहा है, सब हिंदू मुसलमान सब एक हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है। 5 प्रत्याशी मैदान में हैं, 5 प्रत्याशियों में आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? मेरा पसंदीदा प्रत्याशी राशिद शाह। राशिद शाह। युवाओं का जो वोट है वो किस तरफ जा रहा है? राशिद शाह। आपका नाम? जहांगीर खान है मेरा। जहांगीर खान जी, 5 प्रत्याशी मैदान में जी, आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? मेरा पसंदीदा प्रत्याशी मिस्टर राशिद खान है। राशिद खान। आपका नाम? मेरा मोहम्मद दानिश खान। मोहम्मद दानिश खान जी, युवाओं का जो वोट है वो किस तरफ जा रहा है इस बार? युवाओं का वोट जो है वो राशिद की तरफ जा रहा है, और राशिद को देखते हुए उसके
कार्यशैली को देखते हुए, मेहनत को देखते हुए, तो जितना भी नौजवान वोट है वो बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी तरफ खींच रहा है। तो जितना भी अक्सर हम उसकी वर्करी में गए तो लोगों से बात करी और उसके बारे में जितना भी मतलब बातें हुई तो वो राशिद की तरफ ही उसका प्रभाव दिख रहा है। ठीक, वो हाँ, वो धन्यवाद।